चार जो मुद्दे हैं उनमें से दो मुद्दों पर सरकार कुछ कदम पीछे हटने को तैयार है और बाकी अब 4 तारीख को बातचीत होगी। आपका क्या कहना है? देखिए, मैं समझता हूँ कि कल जो कुछ भी हुआ वो थोड़ा स्वागत योग्य है कि कम से कम एक जो हठधर्मिता दिख रही थी सरकार की तरफ से खास तौर पर, उस हठधर्मिता में थोड़ा बदलाव आया। इसलिए जिस बर्फ पिघलने का आप जिक्र कर रहे थे वो थोड़ा पिघलन थोड़ी नजर आई। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण दो क्रिटिकल मुद्दे हैं जिसकी वजह से ये आंदोलन, इस आंदोलन का तेवर है, लाखों लोग इस ठंड में सड़कों पर बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ 4 तारीख में बहुत दिन अब नहीं है, 4 दिन है तकरीबन। सरकार को एक बार खेतिहर समाज के नज़रिए से खेत खलिहान के सरोकार को सोचना होगा, तभी जा करके मैं समझता हूँ कि इसका एक स्थायी समाधान निकलेगा और लोग वापस अपने घरों को जा सकेंगे। लेकिन इस बीच जो अपना अब धीरे धीरे जो उग्र हुआ है पंजाब में, मोबाइल टावर्स जो जियो नेटवर्क से जुड़े हुए हैं उनको जिस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है या जला दिया जा रहा है, इसको लेकर के चिंता भी जताई जा रही है जो कंपनीज हैं, उन क्या कहना है सर आपका? कंपनी जी ने, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने भी इसके लिए चिंता जताई है, और कई जो भी खेतिहर समाज के लोग हैं वो इस तरह के उग्र आंदोलन के पक्ष में कभी नहीं है। वो कुछ एलिमेंट होते हैं हर आंदोलन में जो उस आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने के लिए इस तरह की चीज़ें, मेरा मेरा अभी भी मानना है कि चाहे फलाने का टावर हो चिलाने का टावर हो, हमारी जो किसान आंदोलन की अब तक की अवस्थिति रही है, अब जो जो तौर तरीके रहे वही उचित हैं, वही मैं समझता हूं कि मुकम्मल अंजाम तक इस आंदोलन को ले जाएगा। सर, बिहार में जिस तरह से उनकी पार्टी को सफलता मिली या दूसरी जगहों पर अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव की वो तैयारी में दौरा भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का जो क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र बनारस, वहां से वो दौरा शुरू करेंगे 1000 किलोमीटर का। इसके साथ ही उन्होंने एक और चीज कही, उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार को अंकल आंटी चला रहे हैं। बेसिकली उनका निशाना धर्मांतरण विरोधी जो कानून बीजेपी शासित राज्य पारित करते हैं उसको लेकर के है। देखिए, मैं एक बात तो स्पष्ट तौर पे कहता हूँ कि कोई भी दल, वो स्वतंत्र हैं कहीं भी चुनाव लड़ने के लिए, कहीं भी लड़ें। बिहार के सीमांचल में 5 सीटों का भी बहुत ओवर हाइप है, उसके उसका विश्लेषण जिस दिन लोग बैठ के आराम से करेंगे कई और फैक्टर नज़र आएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि तय तो आवाम को करना है ना कि एक इस तरह की पॉलिटी में जब आप एक खास मैंडेट देखना चाहते हैं, उस मैंडेट के बीच में अगर कुछ अवरोध आता है तो वो फैसला आवाम करेगी, वो फैसला हम बैठ करके नहीं करेंगे। सर, बंगाल चुनाव के मद्देनजर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस में खटास नजर आ रही है, साथ में गवर्नर साहब के रवैये को लेकर के तृणमूल कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है, और उन्होंने तृणमूल कांग्रेस ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ को स्टेट से हटाया जाए, क्या कहेंगे सर? देखिए, ढेर सारे राज्यपाल हैं, एकाध दो को छोड़ दूं तो हमारा मानना है कि एक कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जो भूमिका होनी चाहिए उसके निर्वहन में धनखड़ साहब से तो चूक हुई है, और चूक बहुत बड़ी हुई है। उनको देख के कभी कभी लगता ही नहीं है कि वो वहाँ राज्यपाल हैं, कस्टोडियन ऑफ पर्टिकुलर पॉलिटिकल इंटरेस्ट दिखते हैं। वो लाइव टीवी डिबेट में बैठने लगे हैं और एक पक्षकार हो जाते हैं, तो गवर्नर से ये उम्मीद नहीं होती है। जब जिन जिन गवर्नर्स ने ऐसा किया, आज भी उनको स्मरण जब किया जाता है ना तो किंतु परंतु के साथ ही किया जाता है। सर, बिहार से एक मुद्दा है जो सर, अब बिहार में आपकी पार्टी के नेता बार बार जेडीयू को लेकर के दावे कर रहे हैं। श्याम रजक का कहना है कि 17 जेडीयू के एमएलए आरजेडी के संपर्क में हैं और वो किसी भी वक्त छोड़ करके आ सकते हैं, क्या कहना है? देखिए, मेरा मानना है 16, 17, 18, 19, 20 या 12, 14 अंक बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ये मैंडेट बदलाव का था, बदलाव के इस मैंडेट को मार्ग अवरोधक लगा करके जो किया गया, हम सब देखे हैं लो मार्जिन सीट्स कैसे अचानक 5 बजे शाम के बाद धर धर गिरने लगी।